यीशु ने अपने चेलों के साथ एक लंबी यात्रा शुरू की जो गलील से शुरू हुई। यीशु फसह के पर्व के आसपास सबसे बड़े यहूदी छुट्टी के समय यरूशलेम पहुंचे। यीशु के बारे में अफवाहें गलील क्षेत्र से पड़े पूरे इसराइल में और यहां तक कि देश के बाहर भी फैल गई। यरूशलेम में बहुत से लोगों ने पहले से ही यीशु के बारे में अफवाहें सुनी थी। जब लोगों को पता चला कि यीशु यरूशलेम आ रहा है तो उन्होंने आश्चर्य किया और प्रतीक्षा की कि वह वहां कैसे पहुंचेगा। जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो उसने थोड़ा विशेष तरीका अपनाया। वह एक छोटे से गधे की सवारी कर रहा था जिस पर पहले किसी ने भी सवारी नहीं की थी। उनके शिष्य एक गधे का बच्चा लाए और उस पर अपने कपड़े फैला दिए। यीशु उस गधे पर सवार होकर यरूशलेम में गया। पुराने नियम में जकरिया की पुस्तक में लिखा है, जब वह राजा जो इसराइल का उद्धार करेगा यरूशलेम में प्रवेश करेगा तो वह गधे के बच्चे पर सवार होकर आएगा। यीशु ने इन शब्दों के साथ उन लोगों को याद दिलाने की कोशिश की कि जो प्रतीक्षा कर रहे थे उसने यरूशलेम में ठीक उसी तरह प्रवेश किया जैसा बाइबल में दर्ज है। जब यरूशलेम के लोगों ने यीशु को अंदर आते देखा तो उन्होंने मैदान के पेड़ों से शाखाएं काटी और उन्हें उस मार्ग पर फैला दिया जहां यीशु आ रहा था और चिल्लाया, होसाना होसाना। होसाना शब्द का अर्थ है अब हमें बचाओ। यह एक ऐसा दृश्य है जहां आप उन लोगों के दिलों को महसूस कर सकते हैं जो चाहते हैं कि यीशु उन्हें बचाए। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि परमेश्वर ने बहुत से लोगों को थोड़ा सा भोजन खिलाया हो जबकि वे होसाना चिल्ला रहे थे। उन्हें शायद उम्मीद थी कि वे उन्हें गरीबी के जीवन से बचाएगा। एक अन्य व्यक्ति ने चिल्लाया होगा, होसाना, उम्मीद है कि देश रोम से बचाया जाएगा जो इसराइल पर शासन कर रहा था। साथ के शिष्यों ने होसाना की आवाज सुनी होगी और उम्मीद की होगी कि जब यीशु एक ऊंचे स्थान पर चढ़ेगा तो वे उसके बगल में बैठेंगे। लेकिन फरीसियों, शास्त्रियों और याजकों ने जो यीशु से नफरत करते थे होसाना की आवाज सुनकर अलग तरह से सोचा। उन्होंने तय किया होगा कि उन्हें फसह की अवधि के दौरान किसी तरह यीशु को पकड़ना और कैद करना था। हालांकि हर कोई एक जगह होसाना चिल्ला रहा था लेकिन सभी के विचार अलग अलग थे। इस समय यीशु क्या सोच रहा था? प्रभु क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में सोच रहा होगा जो उसने अपने शिष्यों को सिखाया था। यीशु के यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद यीशु वैसा नहीं किया जैसा लोग सोचते थे। यीशु को इस तरह देखकर जिस प्रत्याशा ने उन्हें होसाना चिल्लाया वह घृणा में बदल गई। कुछ शिष्यों ने यीशु को धोखा भी दिया, इसलिए अंत में यीशु को सत्ता में बैठे लोगों द्वारा परीक्षण के लिए सौंप दिया गया और अंततः क्रूस पर चढ़ा दिया गया।